मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, मां बगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमानों से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मां बगलामुखी धाम में आयोजित नवरात्रों के शुभ अवसर पर लगातार रोजाना हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक दिन विशेष देवी के निमित्त हवन यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं, जो कि रविवार 10 अप्रैल तक निरंतर जारी रहेगा। आज मां कात्यायनी देवी जी के निमित्त विशेष जड़ी बूटियों, शहद, पंचमेवा एवं नाना प्रकार के पदार्थों से देवी जी को हवन यज्ञ में अर्पित किया गया। इस अवसर पर समीर कपूर, बलजिंदर सिंह, राकेश प्रभाकर, गौरव कोहली, ओंकार गुरबाज सिंह, मंदीप, राजेंद्र कत्याल, अमित कुमार, रोहित बहल, अमरिंदर कुमार शर्मा, राकेश महाजन, अमरजीत सिंह, जसविंदर सिंह, मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र शर्मा, जानू, बाबा जोशी, सुरेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, मधुकर कत्याल, मानव शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, सुरेंद्र, मुकेश खन्ना, सौरभ मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। मां कात्यायनी कात्याल ऋषि हुए, उन्होंने तपस्या करके देवी नु पारला जिन्हें जलंबा भी किया जाता है, जी चराचर जगत के विद्यमान है, महामाया को प्रसन्न करके उन्होंने को बता लिया कि मेरे घर जन्म लो, ताकि इस देवी का नाम जोड़ा वो कात्यायनी पे इन्होंने नाना प्रकार के जड़िया बूटियां के नाल अभिमंत्रित करके हवन यज्ञ डालिया जाएगियां। इसके नाल नाल शहर चांदी चांदी के बर्तन भी परोसन का किया गया, चांदी के बर्तन लगाते हैं, केले हैं और नाना प्रकार के वस्तुएं हैं जीडिया केले फूल बहुत पसंद है देवी।